Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह पेपर कटिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये बात कही गई है कि आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली में जल्द ही संशोधन होगा तथा आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों के जो समस्याएं हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा तथा उनके उचित मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, ये बात तो सच है कि इस तरीके की बैठक हुई है जिसमें आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और नियमित वेतन की नियमावली तैयार करने की बात कही गई है। इसे जल्द ही भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू भी कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की कई बैठकें हो चुकी हैं पर अभी तक किसी भी संविदा कर्मी का इस तरीके से कल्याण नहीं हुआ है। पर हो सकता है इस बैठक के बाद सरकार कोई निर्णय, ठोस निर्णय ले ले। दोस्तों, यह जानकारी सेफ के अध्यक्ष बीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को दी थी। उसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के साथ दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें कई मांगों और समस्याओं के समाधान पर सहमति बन गई है। दोस्तों, अध्यक्ष ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव का हवाला देते हुए यह भी बताया कि केंद्र सरकार के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने, आयकर सीमा में बढ़ोतरी पर विचार करने, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, मृतक आश्रित कर्मचारियों के आश्रित मृतक कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने जैसे मुद्दों पर पहल की गई है। साथ ही राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कर्मचारियों के विनियमितीकरण और पदोन्नति पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को प्राथमिकता के आधार पर एपसेफ की मांगों पर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद लखनऊ व भोपाल में भी बैठकें होंगी। अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि उनकी तरफ से दिए गए ज्ञापन की मांगों पर 15 जून तक निर्णय हो जाएंगे। उन्होंने कहा, 15 अगस्त के बाद एपसेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल तथा लखनऊ में अलग अलग तारीखों में होंगी। ये निर्णय तब तक जमीन पर नहीं उतरते ये जमीनी ये निर्णय तब तक जमीन पर नहीं उतरते तो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने में महामंत्री प्रेमचंद्र, उपाध्यक्ष विष्णु भाई पटेल, एसबी सिंह एवं कैलाश, राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा भी शामिल थे। दोस्तों, अध्यक्ष जी ने यह भी बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भेंट की और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि राजनाथ ने आश्वस्त किया कि वह पहले की तरह आगे भी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये पेपर कटिंग तो सही है, बैठक भी सही है और जो प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, आश्वासन हुआ, ये बात तो सही है। पर अब तक इस तरीके की कई बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। इस तरीके से सरकार द्वारा सिर्फ संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया जाता है। अभी भी समय है सभी संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलकर एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। अगर एकजुट होकर आंदोलन नहीं होगा तो कोई निर्णय आने वाला नहीं है। जैसे आंगनबाड़ियों का इसी पंचवर्षीय में 2 बार मानदेय यूपी सरकार बढ़ा चुकी है। अब भी सिर्फ और सिर्फ इस में आंगनबाड़ियों के मानदेय की बात कही गई है क्योंकि उनका निरंतर धरना प्रदर्शन चलता रहता है। जो निरंतर धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं वो उनका कोई भी सपना पूरा होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज अगर संविदा कर्मियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न उठता है तो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आती है आंगनबाड़ी, आशा बहू, अस्पताल में कार्य कर रहे कर्मचारी। इसके अलावा किसी भी संविदा कर्मी के द्वारा किसी भी मंत्री, नेता या विभागीय अधिकारी द्वारा नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि अन्य जितने भी कर्मचारी हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। अगर नहीं भी हैं, जिनके संगठन भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लोगों की चापलूसी करने में लगे हैं। इसीलिए सरकार या कोई भी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उनका नाम तक नहीं लेता है। अगर नियमितीकरण चाहते हैं तो आंदोलन करिए, तभी कुछ हो पाएगा। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. Subscribe to channel and press the bell icon.